रोजगार हिंद में आपका स्वागत है। मैं हूं रिजवान और आज मैं बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ बताने वाला हूं मैं अपनी लाइफ की, और आपको भी सिखाऊंगा कि आखिरकार आप लॉकडाउन के पीरियड में, जैसा कि लगातार अभी मैं वीडियोस बना रहा हूं, मेरा एक चैनल और है द न्यूज़ हिंद, उस पर भी वीडियो बनाता हूं, रोज़गार हिंद में भी वीडियो बनाता हूं आप लोगों के लिए, आपको इन्फॉर्मेशन देता रहता हूं, हर चीज़ की अपडेट देता रहता हूं। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में नोटिफिकेशन बेल है उस पर भी क्लिक कर दें ताकि आगे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल जाए। और रिक्वेस्ट करूँगा कि लाइक ज़रूर कर दें, वीडियो को लाइक करें, इसलिए कि मैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ आपको कि घर बैठे अगर आपके अंदर टैलेंट है और नहीं भी है तो भी आप यूट्यूब के थ्रू कैसे पैसे कमा सकते हैं। यूट्यूब के अलावा बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म हैं, उनके बारे में भी बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यूट्यूब में मैंने भी इनकम की है और मेरी भी जो इनकम आई है मैं आपको बताऊंगा, वीडियो के एंड में ज़रूर बताऊंगा आपको कि किस तरह से मैंने इनकम यहां से ली है। और यूट्यूब अभी और भी बहुत सारे ऑप्शंस दे रहा है इनकम के, तो ये वीडियो को देखते रहिए, मैं आज शेयर करूंगा कि आप इनकम कैसे पा सकते हैं यूट्यूब से। तो सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करता हूं मेरे सभी व्यूअर्स का, सब्सक्राइबर्स का, जो वीडियो को वॉच करते हैं और लाइक करना नहीं भूलते हैं, उनका सबसे ज़्यादा। अब मैं आपको बताता हूँ कि आखिरकार YouTube में आपको पैसे कैसे मिलते हैं। दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको जर्नी बता दूँ कि YouTube की जर्नी जो है, अभी लोग जो समझ रहे हैं कि बहुत इजी है, वो बहुत इजी नहीं है। YouTube की जर्नी जो है 3-4 साल पहले वो बहुत ही आसान थी। उस टाइम पे क्या था कि अगर आप किसी भी तरीके का वीडियो उठा के डाल देते हैं, उसमें क्वालिटी है या नहीं है, वॉइस सही है या नहीं, ऑडियो सही है या नहीं है, उसकी जो पिक्सल हैं वो सही है या नहीं है, वीडियो किसी चीज़ का है पहले डाल दिया जाता था, उसके बाद वीडियो में किसी भी तरीके से कंडीशन नहीं थी। YouTube की बहुत सारी कंडीशंस जो है अब आई हैं, उस पर वीडियो पहले वायरल हो जाता था, 10 लाख 20 लाख लोग देख लेते थे, उसके सब्सक्राइबर बढ़ जाते थे, उसमें मोनेटाइजेशन ऑप्शन था, मोनेटाइजेशन भी ऑन हो जाता था, उससे पैसे आने लगते थे लोगों के। लेकिन फिर क्या हुआ, YouTube ने देखा कि बहुत सारे लोग जो है गलत तरीके से कंटेंट डाल रहे हैं, जो कि वैलिड नहीं है, लीगल नहीं है, जो किसी भी तरीके से वीडियो बाहर से उठा के डाल देते थे और किसी दूसरे की वीडियो चुरा के अपनी वीडियो बना लेते थे, किसी को भी एडिट करके डाल देते थे। तो इस तरह की कई सारी कंडीशंस की वजह से YouTube ने अपनी पॉलिसी बदल दी। उसके बाद जब वीडियो अब YouTube में कोई आता है बनाने, तो उस पर चैनल की कंडीशंस बहुत सारी ऐसी हैं जिसपे से आपको पैसे कमाने में शायद बहुत टाइम लग सकता है। लेकिन बहुत सारे ऐसे चैनल होते हैं जो आज ही स्टार्ट किया और उनके 10 दिन में 20 दिन में ही ऐसे लाखों सब्सक्राइबर बढ़ जाते हैं, व्यूज़ आने लगते हैं, उसमें लोग लाखों रुपए कमाते हैं, ये बात बिल्कुल फैक्ट है। अब मैं आपको बता दूं कि YouTube में स्टार्ट करने के लिए अब जो कंडीशन है वो क्या है। आपको पहली बात तो YouTube के चैनल के लिए अपने पास में जैसा भी मोबाइल हो कोई बात नहीं है, YouTube में आप कैसे भी बोलते हो कोई मसला नहीं है, आपके अंदर किसी भी तरीके के स्किल्स हो कोई मैटर नहीं करता है। आप अगर केवल YouTube में बैठ के ऑडियो के थ्रू या वीडियो के थ्रू वीडियो बना सकते हैं और एडिट कर सकते हैं और डाल सकते हैं, तो आप पैसे कमा सकते हैं। वीडियो बनाने के लिए आपको सिर्फ एक कैमरा चाहिए होता है। कंडीशंस क्या हैं कि अभी फ़िलहाल जब तक 10,000 व्यूज़ नहीं आ जाते आपके चैनल पे, मतलब आपके सारे वीडियोज़ मिला के 10,000 व्यूज़ आने चाहिए, 4,000 वॉच टाइम होना चाहिए, मतलब 10,000 व्यूज़ में 4,000 घंटे आपके पूरे वीडियोज़ मिला के होने चाहिए कि वॉच टाइम पूरा कंप्लीट हो गया 4,000 घंटे। और दूसरी बात कि 1,000 मिनिमम सब्सक्राइबर आपके होने चाहिए। अगर ये कंडीशंस आप मीट कर लेते हैं तो आपका मोनेटाइजेशन ऑन होता है। मोनेटाइजेशन मतलब फिर जाके आप एडसेंस में गूगल के थ्रू आपको पैसे आने चालू हो जाते हैं, और वो भी जब तक आपके $100 कंप्लीट नहीं होते हैं तब तक आपके अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र नहीं होते हैं। तो आपने अपना एक चैनल बना लिया, 10,000 घंटे कंप्लीट हो गए। अब आपको मैं बता दूं कि आप अगर कोई ट्यूटर हैं, मान लीजिए आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी है, आपने इंग्लिश का एक चैनल बना दिया कि आपको इंग्लिश बोलना सिखाना है, आपकी अगर किसी सब्जेक्ट में बहुत अच्छी कमांड है, आपने उस सब्जेक्ट का एक चैनल बना दिया, आपकी टेक में बहुत अच्छी कमांड है, आपने टेक का एक चैनल बना दिया, एजुकेशन में बहुत अच्छी कमांड है, आपने एजुकेशन में, आप किसी भी तरीके का मीन्स आपका प्रोफाइल जिस भी चीज का प्रोफाइल है, मैं कहता हूँ कि अगर लेबर भी जो एक है, जो प्लम्बर है, जो टेक्नीशियन है, जो मैकेनिक है, जो कारपेंटर है, जो इलेक्ट्रीशियन है, अगर ये लोग भी हैं
तो ये भी अपना यूट्यूब पे चैनल बना के और कुछ ना कुछ सिखा सकते हैं, क्योंकि यूट्यूब की पॉलिसी है अगर आप किसी को कुछ भी सिखा रहे हैं और वो पॉलिसी के अगेंस्ट नहीं है यूट्यूब के, मतलब कंटेंट जो है गलत नहीं है, तो आप उसमें से मोनेटाइजेशन ऑन करा सकते हैं और उसके थ्रू गूगल में पैसे ट्रांसफ़र करा सकते हैं। गूगल अकाउंट से अपने अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र हो जाते हैं। $100 कंप्लीट होने के लिए आपके व्यूज़ और एड्स, ये डिपेंड करता है कि आपके कितने व्यूज़ हुए हैं, कितने एड्स हुए हैं। तो आप अगर ये चीज़ चालू करना चाह रहे हैं यूट्यूब चैनल, तो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपनी स्किल्स दिखाएं कि आप किस स्किल्स पे वीडियो बना सकते हैं या किस स्किल्स के लिए आपको लगता है कि आपको वीडियो बनाना चाहिए। आप अपने टॉपिक भी डिसाइड कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा कि चैनल पे ले जाके व्लॉगिंग करते रहते हैं, मतलब आपने वीडियो समुद्र के किनारे गए, उन्होंने समुद्र के किनारे बना दिया, एयरपोर्ट गए, एयरपोर्ट पे बना दिया, रोड पे चल रहे हैं, बस स्टैंड पे चल रहे हैं, कहीं पे भी जा रहे हैं, उन्होंने एक व्लॉग बना दिया, उसकी जानकारी देते हैं। मतलब कहने का कि एक गाइड का जो काम होता है, अगर इस तरह की चीज़ें हैं आप यूट्यूब पर बना रहे हैं, इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ हैं, आप किसी को कुछ सिखा रहे हैं, तो वो वीडियोस जो है वायरल होने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं और होते हैं। लेकिन अब क्या है कि YouTube बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो गया इस चीज़ को लेके, और वो खुद से वायरल करना बंद कर दिया YouTube ने। पहले जो है जो वायरल हो जाते थे किसी भी तरीके से, कोई भी वीडियो बना रहा उनको वायरल कर दिया वीडियो और उसके व्यूअर्स सब्सक्राइबर बढ़ गए, उसके बाद लगातार उनके वॉच टाइम भी बढ़ रहे हैं और उसके बाद में पैसे भी आ रहे हैं। लेकिन अब यूट्यूब ने पॉलिसी को चेंज कर दिया कि मतलब आपके वीडियोज़ में आपको खुद से प्रमोशन करना पड़ेगा। आपको प्रमोशन करना है व्हाट्सएप पे, लिंक्डइन पे आप कर सकते हैं, फेसबुक पे कर सकते हैं, मैसेंजर पे लोगों को भेज सकते हैं, इस तरह के सोशल मीडिया के थ्रू आप अपने वीडियोस को प्रमोट कर सकते हैं। उससे आपके सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, फिर सब्सक्राइबर बढ़ेंगे तो आप शेयर भी करा सकते हैं अपने वीडियोस। और आपने अगर कुछ बहुत ज़्यादा डिफरेंट वीडियोस बनाए हैं तो बहुत जल्दी जो है आपके वीडियोस वायरल भी हो जाते हैं और शेयर भी करने लगते हैं लोग। लेकिन वीडियोस में थोड़ा सा कुछ ना कुछ डिफरेंट होना चाहिए, ऐसे वीडियोस नहीं होना चाहिए बहुत ज़्यादा लोगों ने बनाए हुए वही कंटेंट आप बना रहे हैं। इस तरह के वीडियोस जो होते हैं यूट्यूब में पहले से लोग देखे बैठे होते हैं, तो जो ट्रेंडिंग में अगर वीडियो आता है तो बिल्कुल डिफरेंट होना चाहिए। और उस डिफरेंट के लिए आप एक चीज़ और करें कि कभी भी फेक वीडियोज़ ना बनाएं, क्योंकि फेक वीडियोज़ भी पॉलिसी के अगेंस्ट में हैं और उस पर गवर्नमेंट भी एक्शन ले सकती है। तो इस तरह के कभी भी कोई भी वीडियोज़ ना बनाएं। आपको पैसे कमाना है जेन्युइन तरीके से तो आप पैसे कमा सकते हैं, क्योंकि आपको यूट्यूब में अगर आपने वीडियो बना दिया और गलत कमेंट है या गलत कंटेंट है और अगर आपके ऊपर कोई कंप्लेन भी आ जाती है, रिपोर्ट करता है कोई, तो यूट्यूब से आपका चैनल भी डिलीट हो जाता है। बहुत सारे एग्जाम्पल्स ऐसे पड़े हैं जिन्होंने 2 लाख नहीं, 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख सब्सक्राइबर थे जिनके, और उनके चैनल को यूट्यूब ने हटा दिया, तो वो एक फेज थे। तो लाइफ को और करियर को यूट्यूब की तरफ बिल्कुल भी डेडिकेट करके स्टार्ट ना करें कि आपने करियर को एकदम यूट्यूब में घुसेड़ दिया और दिन भर रात भर यूट्यूब में लगे हैं और उसके बाद आपने बहुत मेहनत करके 10-20 लाख सब्सक्राइबर भी इकट्ठा कर लिया, उसके बाद यूट्यूब ने डिलीट कर दिया। क्योंकि ये यूट्यूब ने अगर डिलीट कर दिया तो आप किसी से रिक्वेस्ट करके और या आप किसी से सिफारिश लगा के आप वीडियो को और या चैनल को स्टार्ट नहीं करवा सकते हैं, ये बात जान लीजिए। क्योंकि YouTube के साथ में आपकी टर्म्स एंड कंडीशन जुड़ी होती हैं, अगर वो फॉलो नहीं करते हैं आप तो आपका चैनल डिलीट हो सकता है, वीडियो भी हटा दिया जाता है बहुत बार। तो इस पर अब मैं बताने जा रहा हूँ कि जो मैंने अर्निंग की है, मैंने 2017 में ये चैनल स्टार्ट किया था, 2017 में स्टार्ट किया, मैंने बीच में चैनल बंद कर दिया था, कुछ सिचुएशन और हालात सही नहीं थे तो मैं बहुत स्लो मोशन में वीडियो डालने लगा था, इवन महीने में कभी एक वीडियो डालता था। तो अभी तक मैंने 3 साल में, मैं आपको बता दूं कि कितनी लाइफ स्ट्रगलफुल रही है, केवल 2 बार पैसा आया। लास्ट मंथ जो है $100 मेरा आया, $105, तो आप $105 समझ सकते हैं कि कितना अमाउंट होता है, करीब 8,000 के आसपास जो है अमाउंट ये मेरा आया था। आप स्क्रीनशॉट देख सकते हैं कि ये इतनी मेहनत के बाद अमाउंट आया है। क्यों? क्योंकि जो यूट्यूब पे अभी तक मेरा यूट्यूब ने वीडियो को रिकमेंडेशन नहीं किया और ना ही वीडियो को वायरल किया, जिसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा व्यूज़ मिल जाते, बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर और फॉलोअर्स बढ़ जाते। ये जितने भी लोग अभी मेरे साथ में जुड़े हुए हैं, मेरे सब्सक्राइबर फॉलोअर्स हैं, ये सब आप लोगों का प्यार है, आप लोगों का सपोर्ट है कि आप शेयर कर देते हैं वीडियो और उन्हीं में से लोग देखते हैं तो सब्सक्राइबर बढ़ जाते हैं, व्यूअर्स बढ़ जाते हैं। अदरवाइज़ यूट्यूब से अभी भी आप उम्मीद ना करें। आपके पास में अगर आपका अपना सपोर्ट है, अगर अपने आपके अपने लोग हैं, तो इतने ज़्यादा शेयर किए जाते हैं कि अपने आप वीडियो वायरल हो जाते हैं।
तो यूट्यूब की मेहनत पे या यूट्यूब पे आप डिपेंड हो के एकदम चैनल स्टार्ट ना करें। आपके चैनल को तब व्यूज़ और सपोर्ट मिलता है, तब आपको इनकम आती है, जब आपके कंटेंट और वीडियोस बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होते हैं और कुछ ना कुछ डिफरेंट होते हैं लोगों से, तब YouTube आपके चैनल को प्रमोट करता है और तब व्यूज़ भी अच्छे खासे आते हैं। तो फिलहाल बहुत सारी चीज़ें और भी हैं, टॉपिक बहुत सारे और भी हैं YouTube में, मैं बताता रहूँगा। तो मैंने आपको जो बता दिया कि मुझे जो इनकम आई है अभी 8,000 रुपये, लेकिन ये भी इनकम मेरे लिए कम नहीं है, क्योंकि YouTube में मुझे जो है इतने साल लगातार करने के लिए, मैं हालांकि मैंने अपना करियर नहीं बनाया है YouTube को, एकदम परमानेंटली मैं YouTube पे ही डिपेंड नहीं रहा हूँ। बहुत सारे लोग होते हैं YouTube पे डिपेंड रहते हैं, उनके लिए 8,000 रुपये बहुत बड़ा अमाउंट होता है, लेकिन YouTube में अगर 8,000 रुपये मेरे लिए आ गए हैं जो कि मैं लगातार 3 साल से कर रहा हूँ, तो 8,000 पहली बार, फिर दूसरी बार 8,000, तो ये भी मेरे लिए एक बड़ा अचीवमेंट कहूँगा मैं। क्योंकि हर चीज़ को, भले ही आपकी मेहनत से आई हुई कोई भी इनकम हो, 1 रुपये भी हो और आपकी जायज़ इनकम है, तो उस चीज़ को हमेशा आप अप्रिशिएट करें और वो मेहनत लगातार कंटिन्यू रखें, ताकि आगे आने वाले वक्त में हो सकता है इससे ज़्यादा भी हो जाए। तो आपकी क्या राय है और आपका क्या कहना है YouTube के लिए, YouTube में आप किस तरह से इनकम कर सकते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स खुला हुआ है। आपके क्या टॉपिक होते हैं, क्या स्किल्स हैं, नीचे कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आप ज़रूर मुझे कमेंट करें। आगे और भी YouTube में वीडियो बनाना चाहिए मुझे, तो आप मुझे ज़रूर बताएं, मैं आपको सपोर्ट करूंगा, YouTube में हेल्प करूंगा। एडिटिंग वगैरह कैसे होती है, स्क्रिप्टिंग और कंटेंट वगैरह कैसे लिखी जाती है, इमेज थंबनेल कैसे बनाई जाती है और वायरल कैसे होते हैं, इंप्रेशन कैसे होता है, क्लिक थ्रू कैसे होता है और जो उसका पॉलिसीज़ होती हैं ये कैसे होती हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं आपको हेल्प कर सकता हूँ इसमें और इवन करूँगा। जब तक आप लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं तब तक मैं YouTube में वीडियोस बनाता रहूँगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप वीडियो को शेयर कर देंगे और भी लोगों को हेल्प मिलेगी। चलिए मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखें अपना, टेक केयर, जय हिंद।